तो भाई चारों तरफ एक ही न्यूज फैल रही है कि रैपिडो बैन हो गया। अब क्या होगा, रैपिडो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, बाइक टैक्सी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। अगर कोई राइडर है तो वो भी परेशान है, क्योंकि भाई उसी से उसका घर चलना है, उसी से उसके घर में खाना बनना है, पैसा आएगा तभी चूल्हा जलेगा। कस्टमर्स भी परेशान है कि भाई हम लोग तो बढ़िया कम पैसों में अच्छी खासी राइड हमको मिल जाती थी, अब तो उससे भी हाथ धोना पड़ रहा है। चैनल पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने रैपिडो को बैन कर दिया, क्योंकि उसके पास में एक लाइसेंस होता है इस तरीके की सर्विस को चलाने के लिए, कंपनी के पास में लाइसेंस नहीं था। दूसरा कि राइडर का जो बाइक होता है वो नंबर प्लेट वाला सिस्टम भी मैंने वीडियोज में सारा बता ही दिया है कि वो जो नंबर प्लेट वाइट नंबर प्लेट जो होता है आपकी बाइक पर, उससे आप सवारी नहीं ढो सकते हैं, टैक्सी का काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स देकर के आपके पास में पीला वाला नंबर प्लेट होना चाहिए। कंपनी के पास में लाइसेंस नहीं था, राइडर के पास में वाइट नंबर प्लेट था, येलो नंबर प्लेट नहीं था, उस वजह से जो है कि ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही हवाला देते हुए कंपनी को बोला कि आप अपनी सर्विस को बंद कीजिए। अभी कल के रिजल्ट में आया है कि भाई आप जो है कि लाइसेंस लो सबसे पहले अपने कंपनी का, और उसके बाद में सारे राइडर्स को बोलो कि वो लोग आप अपनी बाइक को रजिस्टर करवाएं, उनसे कुछ पैसे लो। तो आप रैपिडो कंपनी क्या करेगी, अपने राइडर से पैसे लेगी, पैसे लेने के बाद में उस बाइक को, उनकी बाइक को टैक्सी वाले रूल में रजिस्टर करवाएगी, कुल मिलाकर के येलो नंबर प्लेट के रूल के तहत उसको जो है कि रजिस्टर करवाएगी। अगर ऐसा कोई राइडर नहीं करता है तो आप अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है कि जॉब करोगे रैपिडो कंपनी में, तो पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपकी बाइक को सीज भी कर देगी। अभी तक का मामला ये था। अब मैं इस वीडियो में क्या कवर करूंगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जब ये पूरा सिस्टम चल रहा था तो रैपिडो कंपनी ने एक, जैसे होता है ना कि कुछ एक मतलब आंकड़ा दिया, ठीक है, रैपिडो कंपनी के वकील ने अदालत में ये चीज़ें बताई एक अपनी सहूलियत को बताते हुए कि आप प्लीज़ इस केस को जल्दी सॉल्व करिए, ताकि हमारे बैक एंड में इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा था, इतना हम लोग जो है कि जनता को सर्विस दे रहे थे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, तो आप प्लीज इसको सॉल्व करिए। तो वो जो आंकड़ा है ना वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ इस बहस के दौरान। वो जो आंकड़े जो निकल करके रैपिडो कंपनी ने निकाल करके अपने डेटा से अदालत के सामने रखे, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। थोड़ा सा सुन करके आपको भी अच्छा लगेगा और एक आइडिया लगेगा कि रैपिडो बंद होने के बाद में कितना नुकसान हुआ, रैपिडो बंद होने के बाद में नुकसान आखिर हो क्या रहा है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप जानोगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा आप जरूर। एक चीज़ और, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो आप सभी लोगों के लिए, उसमें भी मैं छोटे छोटे अपडेट देता हूं, अगर आप राइडर हो तो उसमें आपको बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन करिए। आंकड़ा यहां पर मैंने जो है कि नोट किया हुआ है फोन में, रैपिडो कंपनी पिछले 7 वर्षों से एक्टिव है। हो सकता है आप इसको साल 2 साल से ही जानते हो, लेकिन हाँ ये पिछले 7 सालों से एक्टिव है। रैपिडो कंपनी ने कहा, चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र में इसको पूरी कंप्लीटली बैन किया गया है महाराष्ट्र में रैपिडो को, तो रैपिडो कंपनी ने एक आंकड़ा दिया कि महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख से ज्यादा बाइक राइडर है। सपोज करिए 2 लाख, 2 लाख अमाउंट होता कितना है, अगर आपके पास में 2 लाख रुपए हो तो लगता है कि भाई आपके पास में कुछ है, 2 लाख लोग जमा हो तो लगता है कि हाँ 2 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। अब 2 लाख लोग अगर एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो वो भीड़ संभाले नहीं संभलेगी, इतनी ज्यादा संख्या होती है। 2 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब सोचो कि रैपिडो की वजह से 2 लाख लोगों के घर में चूल्हा जलता था, तो वो 2 लाख लोग तो गए बिना किसी मतलब किसी काम के नहीं है, वो लोग आराम से घर में बैठे बेचारे बेरोजगार हो गए। और कम से कम 1,20,000 ऑटो रिक्शा कप्तान हैं, मतलब कि जो बाइक राइडर हैं महाराष्ट्र में वो 2 लाख के करीब हैं, और ऑटो रिक्शा जो कैप्टन हैं वो 1,20,000, मतलब अराउंड 3 लाख से भी ऊपर का ये जो है कि अमाउंट जा रहा है। दोस्त ये जो इतने राइडर हैं, ये सारे राइडर्स मिल करके लगभग 22 लाख लोगों को डेली इधर से उधर छोड़ते हैं। मतलब कितना बड़ा अमाउंट है कि 3 लाख से ज्यादा राइडर्स मिल करके 22 लाख से भी ज्यादा लोगों को डेली इधर उधर कर रहे थे। अब आप सोचो 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए और 22 लाख लोगों को असुविधा हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन? जाहिर सी बात है रैपिडो कंपनी को लाइसेंस वगैरह लेना चाहिए था, थोड़ा रूल के अंदर रह करके काम करते तो ज्यादा ठीक रहता।
मैंने सोचा कि ये डेटा आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा जान करके अच्छा लगेगा। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। हम अगली किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक ले जाएंगे भारत वंदे मातरम।